80 साल से चालू ही था, लेकिन इसको किसी ने पत्थर डाल के बंद कर दिया गया है। और ग्रामीणों ने मुझे बुलाया और इसके बारे में अवगत कराया। मैं ग्रामीणों की बिहा पे ये बात बोल रहा हूँ। और ये जो ज़मीन है ना, तो है कागजों के अंदर है, ये रास्ता छुड़ा हुआ था पहले से ही। और आगे का दिखाता हूँ आपको, ये देख रहे हैं आप, ये रास्ता है, देखिए ये पत्थर तो रात को ही डलवाए इन्होंने। ये आगे जो घर हैं, जो ये है साठिया वास, ग्राम पंचायत परिहार वास में आता है। यहाँ की जो सरपंच है सजना सैनी है, ये देखो ये तारबंदी कर दी पोल लगा के। ये रास्ता छोड़ा गया था मकानों के में जाने जाने के लिए। ये है, ये जो आप रास्ता देख रहे हो, यहाँ पे पोल रोप के रास्ता बंद कर रखा था और रास्ता खुलवा दिया गया है। पंचायत, पांच पंचों की पंचायत बैठी थी, जिसमें दारा सरपंच प्रत्याशी ओम प्रकाश सैनी, बुरा राम सैनी और ये अर्जुन जी जो है परिहारवास की पंचायत को देखते हैं। और ये रास्ता था, ये रास्ते में पत्थर पड़े हुए थे, इन पत्थरों को हटवा दिया गया था। अभी ये पत्थर कब डाले वापिस? ये कल डाल दिए वापस। ये पत्थर देख सकते हैं आप सड़क के ऊपर, ये सर्वसम्मति से रास्ता खोल दिया गया था, वापिस पत्थर डाल दिए यहाँ पे। और अभी आए थे फैसला कराने के लिए, लेकिन बोलते हैं पटवारी को बुलाएंगे बाद में, ना पाएंगे बाद में फैसला करेंगे इनका। हाँ भाई साहब, क्या हुआ? अभी परसों फैसला कर गए थे सरपंचों ने और पंचायत ने पूरा। हाँ फिर क्या हुआ? और फिर एक दिन की डील देते, अपने यहाँ आश्रम में कोई महात्मा जी खत्म हो गए थे, हमने करवाया नहीं। दूसरे दिन उन्होंने वापस अतिक्रमण कर दिया, पत्थर डाल दिए। या तो कहते मैं नहीं तो जेसीबी को देने दूंगी, नहीं मेरे को रास्ता पत्थर इकट्ठी करने दूंगी। अब प्रशासन से मांगी पत्थर उठवाए जाए, इनके रास्ते को खुलवाया जाए। और मीटिंग बाद में, दो दिन बाद में बोला मीटिंग बुलाएंगे, ना पाएंगे। क्या हुआ? तो अभी छुट्टी चल रही है, पटवारी जी कहाँ से आएंगे और कहाँ से आएंगे? तो इन्होंने पत्थर डालने की क्या आवश्यकता थी फिर? ठीक है, बात करने के लिए धन्यवाद। आज फिर रास्ते के विवाद को लेकर अशोक कुमार सैनी साठियावास के खेत में मीटिंग की गई। रास्ते को 14 अगस्त को सर्वसम्मति से साफ किया गया था, पत्थर भी उठा लिए गए थे और तारबंदी को भी जेसीबी से ध्वस्त कर दिया गया था। लिखित में 35 लोगों ने साइन किए थे तथा 42 पेड़ टूटे और दो टंकी भी टूटी थी। कल रात दोबारा से रास्ते के किनारों पर वापस माया देवी पत्नी दिनेश सैनी ने पत्थर डालकर रास्ते को ब्लॉक करने की कोशिश की। आज की मीटिंग में दायरा सरपंच प्रत्याशी ओम प्रकाश सैनी, सीपी सैनी, कांवट सरपंच मीना देवी, डूडमल सैनी, भूतपूर्व सरपंच परिहारवास अर्जुन सैनी जो परिहारवास की सरपंच के ससुर हैं, माला राम सैनी देवराम वार्ड पंच वार्ड नंबर 9 साठियावास, रूपा राम सैनी, बंसी राम सैनी, मुकेश सैनी जो गवर्नमेंट टीचर है, भागीरथ सैनी, विजय सैनी, मक्खनलाल सैनी, मोहनलाल सैनी आदि उपस्थित रहे। आज जमीन की पैमाइश करवाई गई और कल पत्थर गड्ढी की जाएगी, ये फैसला सर्वसम्मति से लिया गया है।